सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एलिम्को कंपनी के द्वारा और गेल इंडिया के सहयोग से ये दिव्यजनों और वयोवृद्ध कैंप में राजस्थान सरकार के पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री श्री मदन दिलावर जी, कोटा दक्षिण के विधायक माननीय संदीप शर्मा जी, लाडपुरा की विधायिका श्रीमती कल्पना देवी जी, सांगोद के पूर्व विधायक श्री हीरालाल जी नागर साहब, सांगोद के प्रधान जयवीर सिंह जी, इस संभाग के संभागीय आयुक्त दीपक नंदी जी और गेल कंपनी के सीजीएम श्री एम के सोगानी जी, अजय चौधरी जी और विशेष रूप से जो हमेशा बहुत संवेदना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करते हैं, जिन्होंने आज कहा है कि तमाम विकलांगों के लिए हर सोमवार और बुधवार को एमबीएस हॉस्पिटल के अंदर कैंप लगाकर सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार प्रमाण पत्र दिया जाएगा। डॉक्टर विजय सवदना जी, उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में वयस्वी लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको जो सहायक उपकरण की आवश्यकता है वह उपकरण के लिए लगातार न्यू मेडिकल कॉलेज में एक विंग बनाएंगे, ताकि कई वयोवृद्ध लोगों को सहायक उपकरण की आवश्यकता है। अभी हमारे पूर्व जनप्रतिनिधियों ने जिस तरीके से बताया, हमारी कोशिश है कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जो विधानसभाएं हैं, उन सब विधानसभाओं के अंदर जो हमारे दिव्यजन हैं, जिनमें व्यापक प्रतिभा है, कौशल है, कुशलता है, काम करने का जनून है, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार को पालने की का आत्मविश्वास है, हम ऐसे दिव्यजनों को मोटराइज साइकिल अन्य उपकरण दिलाकर उनकी सहयोग के लिए, ताकि वह और सुगमता सरलता से काम कर सके, उनकी जो बाधा है, जो रुकावट है, इन सहायक उपकरणों के माध्यम से उनकी बाधाएं दूर हो सके। और इस बाधाओं को दूर करने के लिए जितनी भी उनको आवश्यकता है, मैंने अभी एक नौजवान को आते हुए देखा कि वो नौजवान जब पेड़ लगने के बाद जब चलने लगा तो कोई समझ नहीं रहा था कि उसका पेड़ था या नहीं था। पिछली बार भी मैंने उस फुटवियर को देखा था। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि संसदीय शहर में, लोकसभा क्षेत्र में, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, जब भी हमारी आंखें ऐसे दिव्यजन को देखें जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन कल यहां कराएं। आवश्यकता हो तो फिर कैंप कार्यालय में बताएं, ताकि आने वाले समय में उनकी सारी जांच होने के बाद उनके नाप के पैर और हाथ लग जाए, ताकि जो बाधाएं आ रही है, रुकावट आ रही है उनके काम करने में, वह उन हाथ पैरों से और अच्छा काम कर सके। इसी तरीके से मैं यहां देख रहा हूं
कई नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। अब ये यहां से जाएंगे तो मोटराइज साइकिल लेकर जाएंगे और मोटराइज साइकिल के अंदर बैटरी है। आने वाले समय के अंदर तमाम देश और दुनिया बैटराइज साइकिल और बैटराइज मोटर की ओर बढ़ रही है। अगर हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो आने वाले समय में जो बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां हैं वह भी बैटरी से चलने वाली है, क्योंकि पेट्रोल वाली गाड़ी देने से ये पेट्रोल का खर्चा डिवीजन कहां से लाएंगे। और इसीलिए सरकार ने कहा कि हम बैटराइज साइकिल देंगे, इनकी बैटरी अच्छी क्वालिटी के देंगे, अगर कोई साइकिल के अंदर कोई कमी हो गई तो उसकी मरम्मत कराएंगे, नई बैटरी चेंज कराएंगे। आने वाले समय में एक परमानेंट कैंप होगा यहाँ पर जो इतनी सारी साइकिलों की मरम्मत करेगा और बैटरियों को ठीक करेगा। आप निश्चित मानो आपकी बैटरी खराब होने के बाद कंपनी 3 साल तक आपकी बैटरी को चेंज कराती रहेगी, जो भी कमी होगी उसको ठीक कराती जाएगी। इसमें पहले लाइट नहीं थी, अब इसमें लाइट लग गई, पीछे जाने का संसाधन तब गाड़ी पीछे भी जाने लगी। जो जो कंपनी को लगता है नया परिवर्तन करने का और जो आप सुझाव देंगे और परिवर्तन देंगे करेंगे। हम चाहते हैं मोटराइज साइकिल के माध्यम से जिन लोगों को मोटराइज साइकिल मिली है वो अगर रोजगार करना चाहते हैं तो आने वाले समय में एक कैंप लगाकर उनको यही एक स्थान पर उनको ऋण भी स्वीकृत किया जाएगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर स्वरोजगार करें। इसी तरीके से हमारे जितने भी वयवद लोग हैं, अभी मैं आ रहा था तो मुझे एक मोटरसाइकिल पे लेके चला, मैंने कहा क्या लेके जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि कमोट लेके जा रहा हूँ, हमारे घर में पुराने टाइम की का बाथरूम है इसलिए हमारी उनको बैठने में दिक्कत आती थी। कितने गाँव के अंदर मैं देखता हूँ लोगों को कितनी परेशानी आ रही थी, वेस्टर्न स्टाइल की कोई भी बाथरूम मेरे शायद में गांव में नहीं होगा। और वहां पर जब कभी बुजुर्ग आदमी की पैर की हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर सरदाना साहब हमने तो बहुत नजदीक से देखा है, कई लोगों की 60-65 साल की उम्र में जब हड्डी कुल्ले की टूट जाती है तो वह खाट पे ही रहता है, चल नहीं पाता, और ये कमोट वाली उसको कमोट मिलेगी, कमोट के साथ उसको व्हील चेयर मिलेगी। मुझे अच्छा लगा बूंदी के अंदर जब एक बेटा, जवान बेटा अपनी माँ को उस व्हील चेयर पर लेकर घुमाता है और उसने सपना देखा कि मेरी माँ का रोज सपना था कि मैं पूरे गांव के अंदर उस व्हील चेयर में घूमूं, आज वो सपना पूरा होने लगा। हमें वहां पर व्हील चेयर मिलेगी, कमोड मिलेगी, कई लोगों को जो ब्लाइंड देख नहीं पाते उनको छड़ी के साथ, वो छड़ी इलेक्ट्रॉनिक छड़ी होगी जिसमें दूर तक उनको पता चल जाएगा कि कहां मेरी रुकावट आ रही है या कोई ऐसी जगह मैं गिर सकता हूं, तो वो छड़ी इंडिकेशन कर देगी ताकि वो छड़ी से भी चल सके। छड़ी हो गई, बैसाखी हो गई, मैं बूंदी में देखा तो बहुत सारे बुजुर्ग, 7-8 बुजुर्ग बैठे थे, उनके दांत नहीं थे, जब दांत लगाए तो उन्होंने कहा कि अब देखो वो कचौरी खा रही, उनकी बत्ती सी लगी। कितने लोग हैं जो पहले कोई जमाना था कि लोग बत्ती सी लगाते थे, अब गांव के अंदर भी ये जागरूकता आई है। हमें कोशिश करना चाहिए ऐसे गाँव में जाकर, शहर में जाकर ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, गरीब बस्तियों में जाना चाहिए, अविकसित इलाकों में जाना चाहिए, वहां जाकर ऐसे लोगों को चिन्हित करें कि किसी को व्हील चेयर की आवश्यकता है, मोटराइज साइकिल की आवश्यकता है, किसी को दांत लगाता है, कोई कम सुन पाता है, कई बड़े बड़े लोग ही कम सुन पाते हैं, पैसों से कुछ नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति को जो सुन नहीं सकता उसको कान की मशीन मिलेगी। अभी एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, बहुत अच्छा काम करती है, हमारी कार्यकर्ता भी है,
उसने कहा कि मेरे को चश्मा बिना दिक्कत आती, हम चाहते हैं कि चश्मा लगाकर पढ़ने लगे। ऐसे सारे आइटम आप देखो, कई लोगों की गर्दन दर्द हो जाती है तो गर्दन होने के बाद उसको वह स्पाइनल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि डॉक्टर सरदाना साहब न्यूरोफिजिशियन है, वह ठीक से जानते हैं कि कितने लोगों को स्पाइनल सपोर्ट होगा। अब डॉक्टर साहब जिसको देखेंगे इसको स्पाइनल सपोर्ट की जरूरत है, उसको नाप नोट करके उसको वहाँ पर ही उसकी करा देंगे ताकि उसको स्पाइनल सपोर्ट मिल जाएगा। कमर के लिए उसको कमर मिल जाएगी, सर्वाइकल कॉलर मिल जाएंगे, फुट केयर, कई पैरों के पैर ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें पैर भी यहाँ मिलते हैं, तो पैर मिल जाएंगे, छड़ी, व्हील चेयर, कमोड, कान की मशीन, तकिया, गद्दा, ऐसे सारे उपकरण उन वयोवृद्ध लोगों को लगे। अभी तक कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ मिलाकर ये 650 मोटराइज साइकिल लोगों को मिल चुकी है, 1600 ट्राई साइकिल मिल चुकी है और 10,000 से ज्यादा सहायक उपकरण मिल चुके हैं। हमारी सोच ये कि सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत संवेदना के साथ काम करे, जहां भी उसको, जब भी उसको आंखें देखें, उसके अभाव देखें, उस अभाव को कैसे दूर किया जा सकता है, ये एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब नई पीढ़ी भी इसी संवेदना के साथ सोचने लगी है। कोरोना के संकट के समय मैंने जिस तरीके से नए पीढ़ी के संस्कार और संस्कृति देखी कि उन अभाव में देखने वाले वंचित लोगों के लिए अच्छे अच्छे परिवार के लोग भी उनकी सहायता के लिए उनके लिए आगे आए, यही हमारी ताकत है। आज दुनिया के अंदर कोरोना के समय अच्छे अच्छे विकसित देशों के आर्थिक और सामाजिक ढांचा चरमरा गया, लेकिन भारत में 130 करोड़ आबादी का देश और हमने इस वैश्विक महामारी का चुनौती का मुकाबला किया सामूहिक संकल्प शक्ति से, सामूहिकता के साथ। यह हमारे संस्कार है, यह हमारी संस्कृति है कि जहां भी दुखी देखो, पीड़िया में देखो, लोग उसकी सहायता के लिए आ जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैं देख रहा हूं कि यहां बहुत सारे कार्यकर्ता इस काम के लिए लगे रहते हैं, गांव में भी इस काम के लिए लगे रहते हैं। मैं यहां पर जो बैठे हैं, जो मोटराइज साइकिल लेकर जा रहे हैं, व्हील चेयर लेकर जा रहे हैं, अन्य सामान लेके जा रहे हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि वह अपने गांव के अंदर, अपने शहर के हिस्से में जाएं और ऐसे लोगों की सेवा का पुण्य काम आप मोटराइज साइकिल से जाकर करें। आप जहां जा रहे थे उसका आसपास ढूंढें, जिस जिसकी कमी है उसका नाम, टेलीफोन नंबर नोट कर लिस्ट हमारे कैंप कार्यालय में भेज दें, हम सबको टेलीफोन करके बुलाएंगे, उनके घर से उनको लेकर आएंगे, वहां पर उनकी चेकिंग कराएंगे और चेकिंग कराने के बाद खाना खिला के घर भेजेंगे, फिर उनको सामान उपकरण जब आ जाएंगे, जब लेकर आएंगे सामान दिलाकर उनको घर भिजवाएंगे। उसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, मैं जानता हूं आपकी तकलीफ को, बहुत कठिनाई होती है, इसलिए आज ही मैंने सभी माननीय विधायक महोदय से आग्रह किया है कि अपने अपने विधानसभा के अंदर इस तरीके की कार्य योजना बनानी चाहिए हमें कि हम सभी लोगों को जिनको सहायक उपकरण की आवश्यकता है, मोटराइज साइकिल की आवश्यकता है या अन्य किसी चीज की भी आवश्यकता है, उसको गांव से लेकर और उपकरण दिलाकर गांव तक छोड़ने का काम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमें करना चाहिए। और मुझे आशा है कि हमारा लक्ष्य है कि 2023 तक हम हर दिव्यजन को उसको जो आवश्यकता है उस दिव्यजन को सहायता के लिए उपकरण दिलाएंगे और उस दिव्यजन को 2023 तक ऋण दिलाकर उसको आत्मनिर्भर पैरों पर खड़ा करें। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर आप लोग बनेंगे जब आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। मैं आपके टैलेंट के जानता हूं, सही कहा सुगानी साहब ने, सीडीएम साहब ने,
कि हमारे दिव्यजनों की ताकत इतनी बड़ी है, जब पैरामेडिक पैरा ओलंपिक हुआ तो पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा जीतने वाले अगर हैं तो हमारे दिव्यजन ही हमारी ताकत है। और दुनिया के अंदर नहीं, हमारे देश के अंदर बड़े उदाहरण है विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, मेडिकल साइंस में, एजुकेशन साइंस में, हर क्षेत्र के अंदर हजारों उदाहरण है कि हमारे दिव्यजन आज सबसे आगे हैं और सबसे बड़ा नेतृत्व कर रहे हैं। तो वो दिव्यजन कर रहे हैं अपने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। हम यही चाहते हैं, हमारी आंखें ये देखना चाहती है कि हमारे दिव्यजन उनकी प्रतिभाओं का पूरा उपयोग करते हुए, उनका मस्तिष्क, उनके काम करने की अद्भुत क्षमता, उनमें आत्मविश्वास अद्भुत है, उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं, सहयोग के लिए खड़े हैं, सेवा के लिए खड़े हैं। हमारा काम ही आपकी सेवा करना है। हम राजनीति सामाजिक रूप में इसलिए आए कि हम जहां भी देखें वहां आपकी सेवा कर सकें।